हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोडिंग डेस्टिनेशन। सो माय नेम इज चिराग वैष्णव एंड व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डू इन आर डीपी सीरीज इज कंटिन्यूइंग द लास्ट क्वेश्चन दैट वी वर हैविंग। वो क्या था हमारा क्वेश्चन? एनसीआर। तो हमने लास्ट वीडियो में उसको रिकर्सिवली सॉल्यूशन किया था, सो इफ यू हैवंट वॉच दैट डू वॉच इट, है ना। वो एक बिल्डिंग बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डीपी के लिए रिकर्शन को अंडरस्टैंड करना, उसको थिंक करना, अप्रोच जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। एंड इन दैट ओनली वी हैव टू ऑप्टिमाइज अ लिटिल बिट टू अप्रोच और टू कन्वर्ट इट इनटू अ डीपी सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज आवर डीपी सीरीज। तो हम डीपी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लेट मी राइट इट। डीपी सीरीज की है ये हमारी वीडियो नंबर 4। वीडियो नंबर 4 हम करने वाले हैं। द क्वेश्चन दैट वी आर टुडे गोइंग टू सॉल्व इज एनसीआर यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग, दैट इज आवर सीरीज। ओके, तो ये हम करने वाले हैं यहाँ पे आज। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग मैं पूरा लिख ही लेता हूँ एक बार। हाँ, तो अब मैंने डायनामिक प्रोग्रामिंग लिख लिया है। सो बिफोर स्टार्टिंग, मुझे एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, आई वॉन्ट टू थैंक न्यूटन स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग सच एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन कॉन्टैक्ट be collaborate with you, I can see work with you and we can grow and work together, right? And also learn a lot of things about interview preparation. हम सारे questions करने वाले हैं, हमारी बहुत सारी series आने वाली है in future, so stay tuned for that. So talking about Newton School is a platform that provides you and helps you to build your career in tech field specifically. It is a 6-month course which help you to become a full stack developer. Okay, and also Newton School is connected to a lot of companies. तो उसमें क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट मिलाने दिलाने में इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहेगी आपके साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू हैव टू पे न्यूटन स्कूल आफ्टर यू गॉट प्लेस्ड, राइट। तो आपको पैसा उसके बाद देना है। सो इट इज़ एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू एनरोल इट, डोंट मिस इट। ओके, एंड डू चेक इट आउट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ मूविंग विद आवर प्रॉब्लम। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व एनसीआर यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो रिकर्सिव का वीडियो अगर आपको देखना है तो पूरी वीडियो आप पहले जाके देख सकते हैं, ये इस वीडियो से पहले वो अपलोड हो चुकी है, है ना। एंड अभी मैं उसका हल्का सा आपको इंट्यूशन दे देता हूँ, देन वील कंटिन्यू विद आर दिस प्रॉब्लम। तो एनसीआर, यार एनसीआर होता क्या है? तो एनसीआर इज अ बायनोमियल कोफिशिएंट, ये मैथमेटिकल टर्म रहती है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एनसीआर अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग आफ्टर सीइंग दिस फॉर्मूला इज दैट, क्या मैं फैक्टोरियल से ही कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिफाइन फैक्टोरियल सून क्विकली। तो एन फैक्टोरियल होता है तो मेरा 1 × 2 × 3 × n − 1 × n फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एन। तो मेरा एन का क्या, मतलब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4। 3 का क्या होगा? 1 × 2 × 3। तो ये फैक्टोरियल रहता है। तो इसको कैलकुलेट हम रिकर्सिवली बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो 3 रिकर्शन इसमें लगेंगे, पर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बाप रे बाप, ठीक है। तो वो हमें चीज़ करनी है नहीं। सो वाई वी यूज़ डीपी, वी यूज़ डीपी टू ऑप्टिमाइज आर सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसके लिए एक और रिकर्सिव फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, वो ये था कि अगर मेरे पास सपोज सी कोई फंक्शन है विथ इनपुट एन एन आर रिस्पेक्टिवली, तो मेरा जो हो जाएगा रिकर्सिव रिलेशन वो होगा n माइनस वन आर माइनस वन प्लस सी ऑफ n माइनस वन कॉमा आर। तो ये हमारा रिकर्सिव रिलेशन रहा था लास्ट क्लास में, और हमारे दो बेस केस थे। पर बेस केस से पहले मैं आपको हल्का सा फटाफट एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारा रिकर्सिव रिलेशन कैसे आया था। सो फॉर द रिकर्सिव रिलेशन लेट मी राइट द रिकर्सिव रिलेशन वंस मोर क्विकली। तो सी ऑफ एन कॉमा आर, तो हमारी ये क्या हो गया था, सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा आर माइनस वन प्लस सी ऑफ एन माइनस वन कॉमा आर। तो ये तो हमारा रिकर्सिव रिलेशन हो गया था भाई। अब इसको मैंने अचीव कैसे किया था? तो इसको अचीव मैंने किया था विद द हेल्प ऑफ अ पास्कल ट्राइंगल। सो ऑब्जर्विंग द थिंग्स, 0C01 होता है। अब मैं लास्ट क्लास में आई डिस्कस अबाउट इन डिटेल के कैसे हर चीज़ कैलकुलेट करी है, यहाँ पे मैं बस लिख रहा हूँ। तो 1C01C1 मेरा हो जाएगा 11, मेरा 2C02C1 2C2 मेरा हो जाएगा 121, मेरा 3C03C1 3C2 3C3 हो जाएगा मेरा 1 3 3 and 1, एंड लास्ट इटरेशन 4C04C1 4C2 4C3 4C4 ये मेरा हो जाएगा 1 4 6 4 1। तो क्योंकि ये पास्कल ट्रायंगल है, कि पास्कल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आई होप आप सबको याद होगी कि हर एलिमेंट का सम प्रीवियस दो एलिमेंट सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं विद फॉर हेल्प यहाँ पे एंड में यहाँ पे जीरो इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। तो 1 का सम क्या हो गया, 0 + 1। 2 का सम क्या हो गया, 1 + 1। 3 का सम क्या हो गया, 1 + 2। 6 का सम क्या हो गया, 3 + 3। सिमिलरली ऐसे सारी टर्म्स के हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रिलेशन हो गया कि फॉर दिस, फॉर फाइंडिंग दिस 3,
तो मैं इसके एक ऊपर वाले लेवल पे गया, तो ऊपर लेवल अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर लेवल पे क्या है, 3-1 दैट इज़ 2, ठीक है, 2 पे गया, और 2 के लिए मैंने एक तो इसकी जो मेरा आर है सेम, एक तो ये कैलकुलेट किया और एक आर माइनस वन ये कैलकुलेट किया, तो इन दोनों का सम जो था उसका जो रिजल्टेंट सम था वो मेरा मेरे पास सम आ रहा था। एंड वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व इज दैट, एंड टू बी ऑनेस्ट देयर आर 3 मोर थिंग्स दैट यू हैव टू ऑब्जर्व, राइट। तो एक थिंग जो हमने ऑब्जर्व करी है वो ये है कि एन सी ऑफ आर इज इक्वल्स टू एन सी ऑफ एन माइनस आर, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है, हमने यहाँ पे भी देखी है, 4c0 क्या 4c4 के बराबर है, हाँ 1-1 बराबर है, 4c1 क्या 4c3 के बराबर है, हाँ 4-4 बराबर है, और ये तो अकेला ही बेचारा खुद के बराबर होगा ही, 4c2 बराबर 4c2, राइट। और क्या 3c0 3c3 के बराबर है, हाँ है, क्या 3c1 3c2 के बराबर है, हाँ है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड वन मोर थिंग टू ऑब्जर्व इज दैट कि जो मेरा एन सी ज़ीरो है और एन सी एन है वो मेरा 1 के बराबर ही है इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो अब ऐसा क्यों है, तो लेट मी गेट यू थ्रू द फॉर्मूला वंस अगेन। तो एन सी आर का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर का मेरा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अगर मेरा 0 है लेट से तो क्या आ जाएगा, 0 फैक्टोरियल मतलब सॉरी n r 0 है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल अपन n माइनस 0 क्या आ जाएगा, 0 मतलब n फैक्टोरियल इंटू r मेरा क्या है 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है, तो इंटू 1 तो n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर 1। ये तो मैंने 0 के लिए देख लिया कि हाँ भाई 0 के लिए तो आंसर 1 होता है, अब n के लिए देखते हैं, तो n फैक्टोरियल अपन n माइनस n क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है, और r क्या हो जाएगा मेरा n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कैंसिल। तो इसको यूँ भी देख सकते हैं कि एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, तो एन सी 0 बराबर एन सी ऑफ n माइनस 0 दैट इज़ एन सी एन, तो क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया दूसरा कन्वर्सली 1 होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ें हमने देखी थी, तो ये रिकर्सिव के लिए इतना बहुत था, रिकर्सिव के लिए हमने रिलेशन भी देख लिया था हमारा क्या था क्या नहीं था, बट जब हम इसको डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे तो डायनेमिक में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या जादू इसमें ऐड करना होगा, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट यार, ठीक है। तो जो जादू हम ऐड करने वाले हैं ना वो बहुत ऑब्जर्वेशनल सा जादू है, बट उसको सोचने में पसीने आ जाते हैं, ठीक है, तो पसीने तो नहीं आते हैं, मतलब एक बार समझ आ जाती है ना चीज़ तो वी कैन डील विद इट, राइट। तो अब जो हमने ऑब्जर्व किया था वो क्या था, सिमेट्रिसिटी, एन सी आर एन सी एन माइनस आर के बराबर है, तो अगर मैं एन सी आर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ एन सी एन माइनस आर भी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो क्या ये इंटेलिजेंसी है, नहीं, क्या ये ऑप्टिमाइजेशन है, नहीं। तो मुझे कहाँ तक कैलकुलेट करना है, मुझे आर तक ही कैलकुलेट करना है, आर के बाद तो कहानी यार मेरी रिपीट होने लग जाएगी। तो अगर मुझे ये 4c2 कैलकुलेट करना है, 4c2 कैलकुलेट करना है तो मैं 2 तक ही जाऊँगा ना, 0 1 एंड 2, उसके बाद तो मेरे 4 और 1 वापस रिपीट हो रहे हैं और मुझे कोई मतलब है ही नहीं उससे, अगर रिपीट होंगे तो कोई मतलब है ही नहीं ना। तो एक तो ये चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है, और दूसरी चीज़ मुझे क्या ध्यान रखनी है कि मुझे आर तक ही इटरेट करना है, आर के आगे इटरेट नहीं करना है, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या ध्यान रखनी है कि अगर जैसे ये मैंने क्या बोला था कि एक प्रॉपर्टी क्या थी कि एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी ऑफ एन माइनस आर, ये दोनों टर्म्स बरोबर है, ठीक है, और मैंने कहा है कि मुझे आर तक ही कैलकुलेट करना है, तो अगर मैं आर तक ही कैलकुलेट कर रहा हूँ तो व्हाट विल बी द इंटेलिजेंसी कि मैं आर जाऊँ या एन माइनस आर जाऊँ, ठीक है। तो इंटेलिजेंसी विल बी इन दोनों में से जो छोटा है ना आप वो जाओ, अगर मेरा n माइनस आर 2 ही है, n माइनस आर 2 ही है तो 2 तक कैलकुलेट करना विल बी मोर इजी ना, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो मैं क्या करूँगा कि इन दोनों में से जो छोटा है वहीं तक जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैं 0 से वहीं तक जाना चाहता हूँ जो मेरे साथ सबसे पास मुझे आंसर दे देगा फटफट, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मेरा 4c1 है और 4c3 है, ठीक है, तो मुझे बोला कि 4c3 फाइंड करो भाई आप, ठीक है, तो 4c3 मेरा क्या है, 4c3 ऑब्वियसली 4 है, पर उसका आंसर मैं पहले 4c1 में भी तो कैलकुलेट कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 4c1 और 4c3 बराबर है, तो मैं क्या कर लूँगा, इनिशियली 1 और 3 पे चेक कर लूँगा कि 1 और 3 में से क्या छोटा है, ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो मैं क्या करूँगा 4c1 ही कैलकुलेट करूँगा, 4c1 पे भी आंसर 4 ही है, तो मेरा आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क। अब मैं डायनेमिक अप्रोच की आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ, तो DP टेबल मैं एक बनाने वाला हूँ, ठीक है, DP टेबल में रहने वाली, तो मैं कोड लिख देता हूँ, तो int ncr ncr राइटिंग के लिए थोड़ी सी माफ़ी, ठीक है, तो int n कॉमा int r यहाँ पे इनपुट रहने वाला है मेरे। तो अब मैं क्या करूँगा, इनिशियली फर्स्ट व्हाट आई विल डू, सबसे पहले तो अपना काम ही यही होता है कि चेक करो कि इफ़ r इज़ ग्रेटर देन n तब रिटर्न ही 0 कर दो, भाई हमारे कुछ है ही नहीं काम का, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करो इफ़
n माइनस आर इज ग्रेटर देन आर, मतलब n माइनस आर इज मतलब सॉरी n माइनस आर इज लेस देन आर, तो मैं क्या करूँगा r इज इक्वल्स टू n माइनस आर कर दो, ठीक है, ये हमने r भी देख लिया है ना। अब मुझे क्या करना है कि एक और चीज़ जो मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है, एक और चीज़ जो मैं चेक कर सकता हूँ, अगर आप मुझे बताना चाहो तो मैं क्या चेक कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने किया था कि ताकि आप थोड़ा और सोच सको। बट अब मुझे क्या करना है कि एक dp इनिशियलाइज करनी है, ठीक है, मैं क्या करूँगा int dp ऑफ कितने साइज़ की रखनी है मुझे dp, r प्लस वन साइज़ की मैं dp रखने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मुझे r तक ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे मेरे 4c2 कैलकुलेट करना है तो मुझे यहीं तक कैलकुलेट करना है, तो मेरे टर्म्स क्या लगेगी 0 1 और 2, तो r 2 है तो dp ऑफ 3 क्योंकि 0 इंक्लूडेड है ना, 0 इंडेक्सिंग है, तो मैं यहाँ पे r प्लस वन करूँगा एंड इनिशियलाइज इट विद 0, ठीक है, मैंने सबको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और dp ऑफ 0 को मैं 1 ही रखूँगा, dp ऑफ 0 को मैंने हमेशा 1 से इनिशियलाइज कर दिया और बाकी सब मेरे टर्म 0 है, तो dp ऑफ 0 को 1 से इनिशियलाइज क्यों किया, क्यों, क्योंकि r 0 के लिए तो सब कुछ 1 ही है भाई, ये तो हम प्रॉपर्टी में ही डाल चुके हैं, ये देखो r 0 के लिए तो हर जगह 1 ही है, ठीक है, राइट, तो ये हमारा हो गया। अब मुझे लिखना है फॉर लूप, तो मैं अगली स्लाइड में लिखने जा रहा हूँ वो, ठीक है, तो फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू वन, आई इज इक्वल्स टू वन क्यों लिया यार मैंने, आई इज इक्वल्स टू वन इसलिए लिया, क्यों, क्योंकि मेरी जो जीरो इंडेक्स है उस पर तो वन हमेशा मैंने स्टोर करा ही रखा है, तो आई इज इक्वल्स टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, एन क्या है मेरा एन सी आर फोर सी टू, तो उसका फोर है एंड आई प्लस प्लस, तो वो तो पूरी इटरेशन तक जाएगा। अब जे में मेरा गेम है मेन स्टार्ट्स, ठीक है, फॉर इंट जे इज इक्वल्स टू, अब जे मेरा मिन ऑफ आई कॉमा के है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। जे ग्रेटर देन जीरो, मैं इक्वल टू जीरो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ वापस, क्यों, क्योंकि मेरे जे जीरो मतलब एक एरे तो एक ही है, उस पर जे जीरो पे तो वन इनिशियलाइज है ही है, तो उस पर मैं जाने की जरूरत है नहीं, जे माइनस माइनस, तो मुझे करना क्या है डी पी ऑफ जे, हर डी पी ऑफ जे के लिए मुझे चेक करना है डी पी ऑफ जे प्लस डी पी ऑफ जे माइनस वन, प्रीवियस टू टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट करना है और मुझे रिटर्न कर देना है डी पी ऑफ आर, क्यों, क्योंकि मेरी आर प्लस वन साइज़ की थी तो जीरो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग आर पे मेरा आंसर होना चाहिए, जैसे अगर मुझे फोर सी टू फाइंड करना था तो मेरा इंडेक्सिंग क्या होगी एरे की 0 1 2, ठीक है, तो मेरा आंसर कहाँ स्टोर्ड होगा, मेरा आंसर स्टोर्ड होगा 2 पे, राइट, तो अब इसी को मैं इटरेट करा देता हूँ आपको 4C2 के लिए, जो कोड है वो समझ आ जाएगा आपको, ठीक है, तो यहीं पे हम इटरेशन कर देते हैं, तो मैंने एक इनिशियलाइज मुझे 4C2 चाहिए था, ठीक है, तो मैंने 0 मैं इसको पास्कल ट्रायंगल के साथ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, ठीक है, लेट्स से मुझे 4C2 कैलकुलेट करना है, 4C2 कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू माई कोड मैं डी पी ऑफ आर प्लस वन इनिशियलाइज करूँगा 0 1 2 और डी पी ऑफ 0 को 1 दे दूंगा, ठीक है, दे दिया। अब मैं फर्स्ट लूप में गया इट आई 1 के लिए, ठीक है, तो आई 1 आई इज लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस, ठीक है, तो मैं गया फिर जे में मैंने देखा, हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला था कि ये यहाँ पे मैंने मिन ऑफ आई कॉमा के क्यों लिया है, मिन ऑफ आई कॉमा के मैंने लिया है इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के जादू के लिए, ठीक है, तो मिन ऑफ आई कॉमा के में क्या होगा, जैसे मेरा जो आई है, आई तो मेरा फर्स्ट इटरेशन का है, तो आई तो मेरा चार बार चलेगा, ठीक है, और जो आर है, के इज इक्वल्स टू आर है, जस्ट फॉर रिमूविंग कन्फ्यूजन आई रोट के, तो जो मेरा के की वैल्यू है वो मेरी क्या है वैल्यू यहाँ पे 4C2 दैट इज 2, तो मेरा पहले आई 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, पर फिर मैं 3 और 4 के लिए चेक करना नहीं चाह रहा ना, बिकॉज 3 और 4 के लिए मैं चेक करना नहीं चाह रहा, बिकॉज आई नो कि मुझे आंसर मिल गया है मेरा, तो मैं आगे जाऊँ ही क्यों, तो मुझे केवल आर तक ही जाना है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेन ऑफ आई को मार रखा है, ठीक है, तो अब मुझे क्या चेक करना है कि मैं जब 1 के लिए आया, ठीक है, तो मैं 1 के लिए चेक किया, आई 1 के लिए, तो आई 1 के लिए यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि इसके पहले डी पी ऑफ 1 पे क्या स्टोर था 0 और डी पी ऑफ आई माइनस 1 पे क्या स्टोर था 1, तो मेरा क्या जाएगा 1 प्लस 0 दैट इज यहाँ पे मैंने 1 स्टोर कर लिया, ठीक है, फिर मैं 2 पे गया, यहाँ पे आया 2 पे, फिर 2 से मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे क्या स्टोर है, मैं हमेशा शुरुआत तो यहाँ से कर रहा हूँ ना, ठीक है, शुरुआत में पीछे की साइड से कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे इनिशियली पहले 0 स्टोर था, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा, 0 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 1, फिर मेरा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे तो मेरा 1 स्टोर है ही, तो यहाँ पे देखो 1 2 1 हो गया। फिर मैं थर्ड के लिए आया, ठीक है, थर्ड के लिए मैंने वापस यहाँ पे देखा,
तो जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या है, 2 + 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे मैंने देखा, ठीक है, ये क्या है 2 + 1, तो मेरा वापस 3 हो गया। और फर्स्ट टर्म तो मेरी 1 से इनिशियलाइज्ड है ही, तो ये मेरा थर्ड के लिए होगा। तो 1 3 3 1 में से, क्योंकि मुझे 1 यहीं तक लेना है, मैंने 1 3 3 देख लिया। फिर मैं आया फोर्थ के लिए और ये मेरा फाइनल है। तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे क्या है 3 + 3 6, तो यहाँ पे मैंने क्या स्टोर कर लिया 6। फिर यहाँ पे 3 + 1 4, तो यहाँ पे मैंने 4 स्टोर कर लिया और 1 तो है ही, तो आंसर में मेरा फाइनली 6 आ गया। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। तो एक और बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले बेस केस चेक किया, हाँ ये नहीं होना चाहिए, स्मॉलर वन चेक किया, मैंने आपको समझा दिया क्यों करना है। मैंने इनिशियलाइज की डीपी पूरी जीरो से, डीपी जीरो एलिमेंट 1 कर दिया, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ क्यों करना है, आर जीरो हो तो 1। फिर उसके बाद मैंने लूप लगाया, तो 1 से शुरुआत की, क्योंकि आई जीरो इंडेक्स पे तो हमेशा मैंने 1 स्टोर करा ही रखा है, एन तक गए। फिर उसके बाद यहाँ से इनिशियलाइज की, मिन ऑफ आई कॉमा के और आई कॉमा आर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मिन क्यों किया है, क्यों, क्योंकि हमें उसी मैजिकल लाइन तक जाना है जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, उसके आगे मैं कैलकुलेट करूँ ही क्यों, आई डोंट हैव द आंसर्स व्हाट आई वांट, राइट। तो वो किया है और पीछे से हम चेक करते जा रहे हैं, और जो फर्स्ट टर्म है और उससे प्रीवियस टर्म है उसका सम कैलकुलेट करके डीपी में डालते जा रहे हैं। एंड में हमारे यहाँ पे 6 आ गया 4C2 में, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो इफ यू लाइक दिस सोल्यूशन, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन न्यूटन स्कूल, डू गो एंड रजिस्टर टू द कोर्स एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे, डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ऑब्वियसली इफ यू वॉच टिल एंड तब आप इधर हो गई, ठीक है। तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।